एवरीवन, फिर से एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप पे एक खतरनाक ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ट्रिक्स बताने से पहले दोस्तों आप लोगों को समझा देता हूँ ट्रिक्स है क्या। दोस्तों, जब भी आप अपने व्हाट्सएप पे किसी व्यक्ति के पास कोई सा भी अगर आप अपना फोटो को भेजते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं गैलरी पे जाता हूँ, गैलरी पे जाने के बाद यहाँ पे मैं इस व्यक्ति के पास कोई सा भी एक फोटो को यहाँ से सेंड करता हूँ। सेंड करने के बाद दोस्तों क्या होता है, इस फोटो का जो रेजोल्यूशन होता है वो कम कर देता है व्हाट्सएप। जैसे कि यहाँ पे 5 MB का है या 3 MB का है, तो उसे कम कर देता है 1 MB में या 2 MB में कन्वर्ट कर देता है। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप आपका जो फोटो का साइज होता है उसे बाय डिफॉल्ट कम कर देता है। जब कम हो जाता है तो आपका जो भी व्यक्ति इस फोटो के आपने जिस व्यक्ति के पास भेजा था उसे डाउनलोड करेगा तो उसके पास जो फोटो है काफ़ी डिम दिखेगा, काफ़ी इसका रेजोल्यूशन कम हो गया, काफ़ी कम MB का जाएगा, जिसके चलते आपका फोटो का क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप जिस भी व्यक्ति के पास भेजना चाहते हैं अपना फोटो आप फुल HD में कैसे भेजेंगे। आपका जो फोटो को साइज है, जितना भी साइज होगा, 5 MB या 2 MB या 3 MB, जितना भी साइज होगा आप उसी साइज में फुल HD में कैसे भेजेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबसे एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आप अपना व्हाट्सएप ओपन करना है और जिस व्यक्ति के पास आपको फोटो इमेज भेजना है सिंपल से उस मैसेज बॉक्स में चले जाना है। मैसेज बॉक्स पर आ जाने के बाद सिंपल से आपको देख सकते हैं यहाँ पे सबसे यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन में आपको नजर आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ना गैलरी पर जाना है ना ही कैमरा पर जाना है, आपको सबसे थर्ड वाला ऑप्शन पर जाना है डॉक्यूमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे टॉप में आपको नजर आता होगा ब्राउजर अदर डॉक्यूमेंट, सिंपल इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिर से आपको कैमरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर आपका फोटो कैमरा है तो यहीं से आपको सेलेक्ट करके भेज देना है, या तो यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा सिंपल से आपको फिर से 3 डॉट पर क्लिक करना है, इमेज पर जाना है, और इमेज पर जाने के बाद यहाँ पे आपको फाइल सेलेक्ट करना है। जिस भी फाइल में आपको फोटो है उस फाइल को आपको ओपन करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे अननोन पर चला जाता हूँ और यहाँ पर देख सकते यही फोटो का मैं भेज कर आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर कोई सा भी मैं फोटो ले लेता हूँ, इस फोटो पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं अब वहाँ पे जितना भी भेजना चाहेंगे आप सेलेक्ट करके भेज सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही भेज रहा था, चलिए मैं 2-3 भेज करके आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से भेजेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे इमेज पर आ जाता हूँ। इमेज पर आ जाने के बाद फिर से मैं अननोन पे चला जाता हूँ, जो भी आपका फोल्डर होगा वहाँ से चुन लीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना, अगर एक भेजना चाहते हैं तो एक भी भेज सकते हैं, और अगर ज़्यादा भेजना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जितना भेजना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते सबसे टॉप में आपको नजर आता है, सेलेक्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर देख सकते हैं फिर से जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाएगा, कैंसिल और सेंड। सिंपल से आपको सेंड पर क्लिक करना है। जब आप सेंड पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं ये हमारा एक PDF फाइल में चला जाएगा। जब आप PDF फाइल में से भेजेंगे तो आपका जो फोटो का क्लैरिटी होगा वो फुल HD में ही जाएगा। देख सकते हैं मैं इसे ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ फोटो पे जाता हूँ, देख सकते हैं ये फुल HD में चला गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बता दें किस प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति के पास अपना फोटो को फुल HD में भेजेंगे। तो आपको डॉक्यूमेंट बनाकर भेजना है, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल से इस लाइन पर क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट पर जाना है, डॉक्यूमेंट पर जाने के बाद यहाँ पर ब्राउजर पर जाना है। ब्राउजर पर जाने के बाद अगर यहाँ पर आपका फोटो आ जाता है ठीक है, नहीं आता तो सिंपल से आप इमेज पर जाइए। इमेज पर जाने के बाद यहाँ पर फोल्डर को आपको चुन लेना है। फोल्डर चुन लेने के बाद आपको फोटो सेलेक्ट करना है और सेंड पर सिंपल से क्लिक करके आप भेज दीजिएगा। तो आपका इमेज एक PDF फाइल में जाएगा। जब आपका इमेज PDF फाइल में जाएगा तो उसका इमेज का जो रेजोल्यूशन होगा कम नहीं होगा, आपका MB भी कम नहीं होगा, वो फुल HD में जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया और आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता रहता हूँ। फिर से मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।